हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलरा। ये कलरा क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये सबसे ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव कहाँ करता है, इंटेस्टाइन में करता है, ये चीज़ जानिए। और सबसे पहले बताया कि कलरा जो है सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया, और साउथ अफ्रीका में इसलिए पाया गया क्योंकि कलरा जो है सबसे ज़्यादा ये सी फूड से या फिर जहाँ कंटामिनेटेड वाटर है वहाँ से ये फैलता है। ये इंटेस्टाइन में होता है और इसके कॉस्टिव एजेंट जो है कलरा वेवरी है, इसके बारे में हम बताएंगे आज। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। ओके, अब हम देखेंगे कलरा क्या होता है, ठीक है। तो कलरा इज ए इन्फेक्टेड ए लार्ज इंटेस्टाइन कैरेक्टराइज्ड बाई सर्व डायरिया विच कॉज्ड बाई डिहाइड्रेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कलरा क्या है सबसे पहले ये समझ जाए, ये लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। जब पैथोफिजियोलॉजी आप हम कलरा पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे कैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, उसको कैसे इन्फ्लामेशन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर रहा है जिसके वजह से डायरिया हो रहा है और डिहाइड्रेशन हो रहा है। डायरिया मतलब ये होता है आपको वोमिट आउट भी होना और स्टूल पतला हो जाना, स्टूल जो है पतला हो जाना, बार बार आपको टॉयलेट लगना, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरिया। जब डायरिया होगा अब वोमिट होगा तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन योर बॉडी। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब सोडियम और वाटर का जो वाटर है उसकी क्या होगी, कमी हो जाएगी। लैक ऑफ सोडियम एंड वाटर इन योर बॉडी आर कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसको क्या बोल देंगे, डिहाइड्रेशन। अब इसकी कॉस्टिव एजेंट क्या है इसके बारे में देखेंगे। जो कलरा का कॉस्टिव एजेंट है, इट मे बी कॉज्ड बाई बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी। किसके वजह से हो रहा है, विब्रियो कॉलेरी की वजह से हो रहा है जो कलरा हो रहा है। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या है, ग्राम नेगेटिव कमासेप्ट। कमासेप्ट में कैसे होगा, ये बैक्टीरिया का जो सेप होगा कमासेप्ट होगा, मींस ये ऐसे होगा, ये जो है कमासेप्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा, सीलिया लगी होती है, ये है कमासेप्ट, कमासेप्ट, ठीक है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, अभी आपने देखा है कि कॉस्टिव एजेंट क्या है, ये इन्फेक्शन कहाँ कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में कर रहा है। उसके बाद से इसका हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, कंटामिनेटेड विद ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। किसके द्वारा हो रहा है, खाने के द्वारा हो रहा है, और ऐसे पानी के द्वारा हो रहा है जो क्या है, कंटामिनेटेड है, जो वाटर कंटामिनेटेड है उसके द्वारा ये हो रहा है। उसके बाद से कंटामिनेटेड बाय पर्सन टू पर्सन विद द इन्फेक्शन। अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो इन्फेक्शन चला जाएगा। अगर किसी पर्सन को क्या है, कलरा है, तो क्या होगा, बाय द स्टूल या बाय द इन्फ्लामेशन, या बाय, अगर मान लीजिए वो टॉयलेट यूज कर लिया है, फिर दूसरा बंदा जो इन्फ्लामेटेड नहीं है वो जाके यूज कर लिया, तो उसके द्वारा फिकल के द्वारा क्या हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन इन्फ्लामेशन हो जाएगा फिकल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद से म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई मतलब जो मतलब म्यूनिसिपालिटी वाले जो वाटर सप्लाई करते हैं कॉलोनी कॉलोनी में, अगर उन्होंने ऐसा वाटर लिया है जो कंटामिनेटेड है तो वो पानी पीने के बाद से भी क्या हो जाएगा, हमें वो कलरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वेजिटेबल ग्रोन विथ वाटर कंटेनिंग ह्यूमन वेस्टेज, मतलब जो ह्यूमन वेस्टेज के द्वारा जो पानी हम क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, उस पानी से क्या किया, किसी ने वेजिटेबल्स को उगाया या फिर उसको वॉश कर लिया, उसी पानी से वो क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को उगा रहे हैं। तो क्या होगा, उस कंडीशन में भी अगर उस वेजिटेबल्स को हम ले रहे हैं उसके द्वारा भी हमें क्या हो जाएगा, कलरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी कंटामिनेशन उसका होगा, ठीक है। उसके बाद से फूड्स, सी फूड्स, वाटर पोल्यूशन विद स्वेग, मतलब सी फूड्स में कुछ ऐसी मछलियां है, मैं अभी बताया था कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा कलरा हुआ था, ये एक इंडेमिक कंडीशन है,
इंडेमिक मतलब एक पार्टिकुलर एरिया में होता है, जैसे किसी पार्टिकुलर स्टेट में हो गया, तो कलरा एक इंडेमिक जो इंडेमिक डिजीज है। तो ये किसके द्वारा है? सी फूड्स। साउथ अफ्रीका में आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग सी फूड्स लाइक करते हैं, बंगाल हुआ, शायद साउथ अफ्रीका हुआ, यहाँ पे लोग सी फूड्स ज़्यादा यूज करते हैं। सी फूड्स में वो भी बहुत अलग अलग वैरायटी के सी फूड्स होते हैं जो जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है। उसके द्वारा भी क्या हो रहा है? ये हो रहा है जिसके द्वारा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम ले रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है? कलरा हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से इनक्यूबेशन पीरियड इसके कितना दिन तक होता है? 5 से 7 डेज। 5 से 7 डेज कलरा हमारे बॉडी के अंदर रहेगा, उसके बाद से वो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा? हमें पूरे बॉडी में फैल जाएगा, देन हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा, तब हमें सीवियर कंडीशन हो जाएगी। ओके, अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स, अगर किसी को कलरा हो जाता है तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कलरा। कलरा के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? अगर किसी भी पर्सन को कलरा हो जा रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? डायरिया होगा, ठीक है। जिस पर्सन को भी कलरा होगा उसको डायरिया होगा, मतलब क्या होगा? स्टूल पतला हो जाएगा, बार बार वोमिट आउट होगा। स्टूल पतला मतलब उसको टॉयलेट जो है बार बार लगेगा और क्या होगा? वोमिट होगा, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होगा। उसके बाद से नोजिया होगा, मिचली भी होगी, वोमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? जब उल्टी होगा तो सोडियम और वाटर कंटेंट, कैल्शियम, पोटेशियम जो भी होगा बाय द वोमिटिंग क्या होगा? बाहर आउट हो जाए, वोमिट आउट हो जाएगा, जिससे क्या होगा? ड्राई माउथ होगा, एक्सट्रीम थर्स्ट होगा और ड्राई स्किन होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, इनमें तो ये तीन चीज़ होगा ही। मुंह बहुत ज़्यादा सूखेगा, मतलब जब वोमिट आउट होगा तो क्या होगा? ऐसे लगे गला सूख रहा है, मुंह सूख रहा है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। और ड्राई स्किन, कभी कभी ये होता है डायरिया किसी किसी को इतना सीवियर हो जाता है कि स्किन तक, ये स्किन पूरा ब्लैक पड़ जाता है। ब्लैक मतलब एकदम से ड्राई हो जाता है, ओट जो होते हैं एकदम से ड्राई ब्लैक पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, स्किन जो है पूरे बॉडी के नीले पड़ जाते हैं, इस तरह के होते हैं। अगर ये सीवियर कंडीशन में ये डायरिया हो गया तो ये बहुत डेंजरस बीमारी है, इसके वजह से बहुत लोग मारे गए, ठीक है। तो ये क्या होता है? ड्राई स्किन हो जाएगा, स्किन पूरा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद से मसल क्रेम्स होगा। मसल क्रेम्स मतलब क्या होगा? मसल क्रेम्स कब होगा? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपके बॉडी में सोडियम और वाटर कंटेंट रहेगा ही नहीं, तो बॉडी में पूरा क्रेम्स होगा, ऐसे लग रहा है टूट रहा है, पूरे बॉडी में दर्द होगा, पेन होगा, बहुत तेज पेन होगा, इसी को बोल देते हैं मसल क्रेम्स। उसके बाद से फीवर भी होगा, हेडेक होगा, हेडेक मतलब सर दर्द होगा, एस्टोमेक मतलब होता है, एस्टोमेक मतलब होता है एब्डोमिनल पेन, पेट में क्या होना, दर्द होना, उसको बोलते हैं एस्टोमेक, मतलब एस्टोमक में जो दर्द हो रहा है उसको बोलेंगे एस्टोमक। अब कलरा का ट्रीटमेंट क्या है? कलरा का ट्रीटमेंट यह है, कलरा के वैक्सीन लगवाइए, उसके बाद से एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक में क्या दे सकते हैं अगर सीवियर कंडीशन है तो? एंटीबायोटिक में हम देते हैं सेप्ट्रियाजोन, सिफोराक्जिम, सिफिक्जिम, उसके साथ हम देते हैं एमिकासिन। एमिकासिन भी एंटीबायोटिक है, जो स्टूल बार बार आता है, जो बार बार आपको डायरिया हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद से अगर मसल क्रेम्प हो रहा है तो पीसीएम देंगे, डाइक्लोफिनेक देंगे, सिक्लोफिनेक देंगे, ट्रामा डाल देंगे, ये सारे चीज़ देते हैं। और उस कंडीशन में हम ड्रिप चलाते हैं, ड्रिप और ओआरएस देते हैं। ओआरएस को बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ओआरएस। ओआरएस को क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी में उसको बनाएंगे और उसके बाद से इसको पिलाएंगे। ड्रिप में जो सोडियम, जिसको एनएस बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन, इस कंडीशन में नॉर्मल सलाइन चलाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में जो सोडियम की कमी हुई है वो क्या हो, उसको मेंटेन करें, जो सोडियम रिटेंशन हुआ है उसको क्या करें, मेंटेन करें, इसलिए हम क्या करते हैं, ड्रिप लगाते हैं। और बहुत कंडीशन में ऐसा भी होता है, सीवियर कंडीशन होता है तो हम ड्रिप लगा देते हैं, ड्रिप में ही सेप्ट्रियाजोन, एमिकासिन, पीसीएम, ट्रामाडॉल, जो भी डालना होता है डाल के हम उसको चढ़ा देते हैं। ओके, अब इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन में हम देखेंगे प्रिवेंशन क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दें, बहुत रेयर कंडीशन ऐसा है जो ट्रामाडॉल और पीसीएम को आईवी देते हैं, सेप्ट्रियाजोन, एमिकासिन को आईवी देते हैं, बट जबकि जो पीसीएम है या ट्रामाडॉल है उसको हम कभी आईएम ही देते हैं, लेकिन रेयर कंडीशन में लोग इसको आईवी देते हैं, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन क्या है?
वाशिंग फ्रूट्स वेजिटेबल। क्या करेंगे अगर किसी को इससे बचना है कि हमें डायरिया ना हो, तो इसका प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट तो हमने बताया ही अभी। प्रिवेंशन में ऐसा फ्रूट्स लेंगे जो क्या हुआ है, वाशिंग हो, उसका धुलाई हुआ हो, और वेजिटेबल्स भी ऐसे ही लेंगे जो क्या हुआ हो, उसको वाश किया हुआ हो, किससे, पानी से। उसके बाद से वाशिंग हैंड सॉप फ्रिक्वेंटली, क्या करेंगे हाथ को फ्रिक्वेंटली वॉश करेंगे, अगर खाना खाना है तभी धुलेंगे, कुछ अमाउंट टच करना है तभी धुलेंगे, या फिर कुछ और खाना है, या फिर कहीं टच हो गया कहीं पहले इस पे जो कंटामिनेटेड पर्सन है, तभी हम क्या करेंगे, हैंड को वॉश करेंगे। तो फ्रिक्वेंटली क्या करेंगे, हैंड को वॉश करेंगे। ड्रिंक ओनली सेफ वाटर, हम कैसा वाटर पियेंगे, सेफ वाटर जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद हो, और ऐसा खाना खाएंगे जो गर्म हो। फूड हॉट फूड ईटिंग मतलब ऐसा खाना खाएंगे जो गर्म हो, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी, आप कलरा, कलरा कैसे हो रहा है। कलरा का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये क्या है, हमारा माउथ है, माउथ, ये हमारा है लीवर, ये है स्टोमक, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है रेक्टस, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा माउथ हो गया, ये लीवर हो गया, ये स्टमक हो गया, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हो गया रेक्टल। क्या हो रहा है, बैक्टीरिया यहाँ से बाय द रिस्पायरेशन कहाँ जा रहा है, हमारे माउथ में या बॉडी कैविटी में, या बाय द फूड, फूड एंड वाटर, किसके द्वारा, बैक्टीरिया गोज इन टू द बॉडी बाय द माउथ, किसके द्वारा, फूड एंड वाटर के द्वारा। जो हम वाटर ले रहे हैं, जो कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं या फूड्स ले रहे हैं, उसके द्वारा बैक्टीरिया कहाँ गई, हमारे माउथ में, माउथ से देन मूव इन जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक में आया, जीआई ट्रैक ये है, इसको बोलते हैं हम, ये जीआई ट्रैक, ये जीआई ट्रैक में आया, उसके बाद से कहाँ गया, इंटेस्टाइन में, यहाँ पे आ गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई मतलब हमने इनक्यूबेशन पीरियड 5 से 7 डेज बोला था, 5 to 7 डेज में क्या होगा, पूरे बॉडी में, पूरे स्टमक इंटेस्टाइन में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन को क्या करेगा, ये इन्फेक्टेड करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फ्लामेशन करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। लास्ट स्टेज में ये होगा कि ये इंटेस्टाइन कभी कभी फट जाएगी, जिसकी वजह से मृत्यु हो जाएगी, और इसके वजह से हमारे इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, फीवर होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा, A to Z डिसीज होगा, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का या फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो रहा है। जब इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगी, स्टमक पेन होगा, ये सारा चीज होगा, ठीक है। तो हमारा पैथोफिजियोलॉजी अब डायरिया, डायरिया ऐसे हमारे स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्शन करता है, उसके द्वारा फिर हमें डायरिया इन्फेक्टेड होता है। ओके, थैंक यू।